हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिड स्टूडेंट्स दिस इज़ फाइनल पार्ट ऑफ क्लास फिफ्थ टी वी थर्ड चैप्टर फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग लास्ट पार्ट है इसका तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो वी वर ऑन पेज नंबर थर्टी थर्टी पेज नंबर पर थे स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स है इससे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने कवर कर लिए थे स्टोरी अ स्टमक विद अ विंडो अब हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं एक ऐसे स्टमक की एक ऐसे पेट की जिसमें की विंडो है इन द पोयम इससे पहले जो हमने पोयम पढ़ी थी लास्ट वीडियो में यू रीड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन तुमने मार्टिन जो सोल्जर था उसकी कहानी पढ़ी इन एटीन ट्वेंटी टू ही वॉज़ एटीन ईयर्स ओल्ड एंड वॉज वेरी हेल्दी जब वो अट्ठारह साल के थे तब वो बहुत हेल्दी थे एटीन ट्वेंटी टू की ये बात है वेन ही वॉज शॉर्ट जब उनको शूट किया गया उनको गोली लगी ही गॉट सीरियसली हर्ट तो बहुत ज़्यादा सीरियसली वो हर्ट हुए थे हमने देखा था कि ब्लीडिंग भी हो रही थी खून बह रहा था एट दैट टाइम डॉक्टर बियोमोंट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम डॉक्टर बियोमोंट को बुलाया गया उनको ट्रीटमेंट देने के लिए डॉक्टर बियोमोंट क्लीन द वाउंड उन्होंने उसको घाव को साफ किया एंड पुट द ड्रेसिंग पट्टी बांधी उस पर ड्रेसिंग किया आफ्टर वन एंड हाफ ईयर डेढ़ साल के बाद डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन बाउंड हैज़ हील्ड डॉक्टर को ये पता लगा कि उनका जो बाउंड है जो घाव है वो भर गया है एक्सेप्ट फॉर वन थिंग सिर्फ एक चीज रह गई थी ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक उनके उसके पेट में एक बहुत बड़ा सा होल रह गया था छेद रह गया था द होल वॉज कवर्ड विद लूज फ्लैप ऑफ स्किन उस होल के ऊपर स्किन तो आ गई थी लेकिन वो बहुत लूज थी लाइक द वॉशर इन फुटबॉल जैसे कि फुटबॉल में वॉशर होता है बिल्कुल ऐसे ही प्रेस द स्किन अगर आप स्किन को प्रेस करोगे थोड़ा सा एंड यू कु मार्टिन स्टमक तुम मार्टिन के स्टमक में झाँक सकते हो नॉट ओनली दैट सिर्फ यही नहीं द डॉक्टर कूड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाई पुटिंग अ ट्यूब इन द होल डॉक्टर डॉक्टर्स जो हैं उसके पेट में ट्यूब डाल के खाना भी निकाल लेते थे उस होल से ही ट्यूब डाल देते थे डॉक्टर बी माउंट फाउंट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर डॉक्टर माउंट को डॉक्टर बी माउंट जो था उनको लगा कि तो उन्हें खजाना मिल गया कोई कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग

तो आप उसके अंदर झांक सकते थे ये देखिए ये आ, लेंस लेके लगे भी हुए हैं मैग्नीफाइंग लेंस है इनके हाथ में एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वर्ड्स डाइजेस्टेड उस टाइम पे साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि खाना डाइजेस्ट कैसे होता था हाउ डज़ द लिक्विड कैसे जो हमारे पे, पेट में जो लिक्विड है डाइजेस्टिव जूस भी जिसको आप बोलते हैं हेल्प इन द इन द स्टमक हेल्प वो हमारी कैसे हेल्प करता था डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट और सॉफ्ट उनको लगता था कि पेट में जो लिक्विड uh, है वो सिर्फ खाने को सॉफ्ट और गीला बनाता है और डज इट आल्सो हेल्प इन डाइजेशन या फिर वो उस डाइजेशन में भी हेल्प करता है मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे लेकिन डॉक्टर बी अमाउंट जो था अब वो पूरी इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे डॉक्टर बी अमाउंट टुक सम लिक्विड उन्होंने उनके पेट से जूस निकाला थोड़ा सा जो पेट के अंदर होता है ही वॉन्टेड टू सी वॉट वुड हैपन टू फूड आइटम केप्ट इन ग्लास फिल्ड विद इट एक ग्लास भर लिया उसका और देखा कि खाना इसमें डालूंगा तो क्या होगा वोड इट गेट डाइजेस्टिड ऑनिट्स ऑन क्या उसमें डालते ही फूड खुद ही डाइजेस्ट हो जाएगा फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट उन्होंने इसके लिए देखिए क्या एक्सपेरिमेंट किया विद दी हेल्प ऑफ अ ट्यूब उन्होंने एक ट्यूब ली ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक उन्होंने मार्टिन के पेट से कुछ डायजेस्टिव जूस निकाल लिया जो आप सभी के पेट में भी होता है आपने वो बहुत एसिडिक होता है आपने देखा कई बार आपको पेट में एसिडिटी होती है पेट में जलन होती है उसका रीज़न ये है कि आपकी जो स्टमक की जो वॉल है स्टमक जो कि कुछ ऐसा दिखता है एक राजमे का जो बीज होता है उसके जैसा दिखता है उसके वॉल के ऊपर कई बार जो वो डाइजेस्टिव जूस लगता है आपका तब आपको वो फील होती है जलन तो वो डाइजेस्टिव जूस सभी के स्टमक में होता है जो फूड को डाइजेस्ट करता है एट एट थर्टी ए एम ही पुट ट्वेंटी टाइनी पीसीज ऑफ बॉइल्ड फिश इन टेन मिलीलीटर ऑफ जूस टेन मिलीलीटर जूस लिया उन्होंने बहुत कम और उसमें उन्होंने तीस पीसीज डाल ट्वेंटी बीस पीसीस डाले बहुत छोटी छोटी बॉइल्ड फिश के सुबह एट थर्टी पे ही केप द ग्लास इन द सेम टेम्परेचर एज टू आर स्टमक जितना टेम्परेचर आपके स्टमक में होता है पेट में होता है थोड़ा सा हाई टेम्परेचर होता है उतने पर उन्होंने रखा अबाउट थर्टी डिग्री सेल्सियस रखा uh, जो मतलब पेट में जो कंडीशन उसको मिलती है सारी उन्होंने दिल देखा कि क्या होता है वेन ही चेक एट टू पी एम जब दो पी एम पे उन्होंने चेक किया आफ्टर फोर आवर्स यी फाउंड दैट द पीसीज ऑफ फिश हैज डिजोल्व उन्होंने देखा कि वो जो, जो फ़िश के जो पीसीज हैं वो घुल गए हैं उस जूस में डॉक्टर बीमाउ ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स उन्होंने अलग अलग फूड आइटम्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम उसी टाइम पे वो मार्टिन को वो फूड खिलाते थे उसी टाइम वो बाहर उसमें जो उन्होंने डाइजेस्टिव जूस निकाला हुआ था उसमें वो फूड डालते थे देन कम्पेयर हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द फूड टू डाइजेस्ट डाइजेस्टेड इन द ग्लास वो देखते थे कि ग्लास में डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है खाने को और मार्टिन के पेट में कितना टाइम लग रहा है ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन द टेबल उन्होंने देखिए एक टेबल भी बनाई इसके लिए पेट में कितना टाइम लगा और ग्लास में कितना टाइम लगा अनबॉयल्ड मिल्क उन्होंने बिना उबला हुआ दूध डाला तो टू आवर्स फिफ्टीन मिनट में डाइजेस्ट हो गया पेट में और ग्लास में फोर आवर्स फोर्टी फाइव मिनट्स में बॉइल्ड मिल्क अगर आप उबाल के दूध पीते हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है टू आवर्स में वो डाइजेस्ट हो गया यहाँ पे उसको फोर आवर्स फिफ्टीन मिनट्स आधे घंटे पहले डाइजेस्ट हो गया फुल बॉइल्ड एग अच्छे से बॉइल करके एग को जब डाला तो थ्री आवर्स थर्टी मिनट्स यहाँ पे एट आवर्स मतलब ग्लास में ज़्यादा टाइम लग रहा है ऑब्वियसली पेट में जूस भी ज़्यादा है और फेवरेबल कंडीशन भी है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि में हेल्प करती है। हाफ बॉयल्ड एग आधा बॉयल्ड अंडा uh, डाला तो थ्री आवर्स यहाँ पे इतना रॉ एग बीटन अच्छे एक कच्चा अंडा अच्छे से बीट करके डाला तो टू आवर्स में डाइजेस्ट हो गया यहाँ पे इतना टाइम लगा रॉ एग और सिर्फ कच्चा अंडा डाला तो वन एंड हाफ आवर में वो डाइजेस्ट हो गया तो यहाँ से आपको थोड़ा कंपैरिजन पूछ सकते हैं सबसे पहले कच्चा अंडा डाइजेस्ट होता है अगर बीट करके डालेंगे वो ज़्यादा टाइम लेगा हाफ बॉइल्ड एग और ज़्यादा लेगा और पूरा बॉइल्ड डालेंगे तो और ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में बॉयल्ड मिल्क कम टाइम लेता है बॉयल्ड मिल्क कम टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में अनबॉइल्ड ज़्यादा लेता है सो वॉट डज आर स्टमक डू तो हमारे स्टमक में क्या होता है डॉक्टर बी माउंट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स डॉक्टर बी माउंट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन और डाइजेशन के बारे में काफ़ी सीक्रेट्स भी रिवील किए उन्होंने ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्टेड फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड बाहर से ज़्यादा खाना अंदर पेट के अंदर ज़्यादा जल्दी डायजेस्ट होता है डिड यू नोटिस इन द टेबल ये आपने टेबल में भी नोटिस किया होगा जहाँ पर यहाँ पे फोर आवर्स लग रहे हैं डबल टाइम लग रहा है अप्रॉक्स वो ये टू आवर्स में कर रहा है थ्री आवर्स सिक्स आवर्स है ना डबल से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है बाहर डाइजेस्ट होने में आ स्टमक चांस द फूड टू तो डाइजेस्टिड हमारा जो पेट है उसको पहले पाउडर कर मतलब पीस uh, देता है बिल्कुल अच्छे से डाइजेस्ट करने से पहले द डॉक्टर ऑल्सो सो दैट फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली वेन मार्टिन वॉज सैड ये भी देखा गया कि जब मार्टिन सैड होता था तो फूड उसका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता था ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आर स्टमक इज एसिडिक इंपॉर्टेंट लाइन है आपके पेट में जो जूस है वो एसिडिक है एसिड uh, जैसे होता है जिसको कि आप तेजाब भी कहते हैं कहीं पे लग जाए तो जल भी सकता है हैव यू हर्ड ऑफ एनी वन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी आपने ज़रूर सुना होगा कई लोग एसिडिटी की बात करते हैं स्पेशली वेन द पर्सन हैज़ ईटन वेल हैज़ नॉट ईटन वेल और द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली तब होता है जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट ना हो या फिर आपने अच्छे से खाया ना हो डॉक्टर बी माउंट एक्सपेरिमेंट्स बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड उनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो पूरी दुनिया में फेमस हो गए आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट्स इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए वॉ डिड यू से आप क्या कहते हैं नो दे डि नॉट शूट पीपल इन द स्टमक ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने लोगों को गोली मार दी और फिर एक्सपेरिमेंट किए नॉट डिट दे वेट फॉर अ पेशेंट विद अ होल इन द स्टमक ना उन्होंने ये सोचा कि कोई पेशेंट आएगा जिसके पेट में होल होगा तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे दे यूज़ अदर साइंटिफिक वेज़ टू लुक इन साइड आर बॉडीज़ उन्होंने और बाकी साइंटिफिक वेज यूज़ किए लोगों के जो है पेट में क्या हो रहा है उसको स्टडी करने के लिए डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आर ओन स्टमक क्या आपको मार्टिन की यानी कि हमारे खुद की पेट की कहानी पसंद आई येस ऑफकोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है एम श्योर sure बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिली होगी थिंक कैन डिस्कस थिंक कैंड डिस्कस इमेजिन यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ डॉक्टर बीमाउंट अगर डॉक्टर बीमाउंट की जगह आप होते वॉट एक्सपेरिमेंट वुड यू हैव डर्न टू फाइंड आउट सीक्रेट ऑफ आर स्टमक आप अपने स्टमक के सीक्रेट को जानने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपको लिखना है ये आपके लिए ही है लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप करेंगे इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ डॉक्टर बी माउंट अगर मैं डॉक्टर बी माउंट की जगह होता या होती आई वुड हैव डन एक्सपेरिमेंट्स विद चपाती तो चपाती के साथ क्यूकम्बर के साथ खिचड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट करती आई वुड हैव टेकन आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम मार्टिन स्टमक उसके पेट से कुछ स्टमक से कुछ जूस निकालती एडेड इक्वल क्वान्टिटीज ऑफ डीज जूस इन इक्वल क्वान्टिटीज ऑफ थ्री फूड टेकन अलग अलग वो लेती तीनों में अलग अलग खाना डालती आई वुड हैव चेकड फॉर द टाइम इट टूक टू डाइजेस्ट ईच फूड कितना खाने को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है वो एक्सपेरिमेंट करती जो खिचड़ी है उसको कम टाइम लगता है तभी आपने देखा होगा जो बीमार लोग होते हैं उनको खिचड़ी दी जाती है ओके okay? तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते थे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक इज गुड फूड गुड हेल्थ अच्छा खाना अच्छी हेल्थ डॉक्टर अपर्णा हैज़ टू पेशेंट्स डॉक्टर अपर्णा के दो पेशेंट हैं रश्मि एंड कैलाश डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम डॉक्टर अपर्णा ने उनसे बात की देखिए क्या बात की ये फर्स्ट है रश्मि फाइव ईयर्स ओल्ड है ये पाँच साल की बच्ची है शी लुक अबाउट थ्री ईयर्स ओल्ड लेकिन सिर्फ तीन साल की लगती है मतलब बहुत वीक है आप देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा शी हैड वेरी थिन आर्म्स बहुत पतली उसकी आर्म्स हैं हाथ यहाँ पे एंड लेग्स और पैर भी एंड अ पॉट बेली एक बलून के जैसा बड़ा सा स्टमक है शी ऑफन फॉल्सिक बहुत जल्दी वो बीमार पड़ जाती है She always feel tired and cannot go to school regularly. hamesha हमेशा थकी थकी से रहती है स्कूल भी रोज नहीं जाती she does not have the strength even to play khelne खेलने की भी स्ट्रेंथ नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस है उसको फूड is lucky khana खाना क्या खाती है देखिए is lucky if she can get a little rice or one roti to eat in the whole day डे पूरे दिन में अगर उसको थोड़े चावल या एक रोटी भी मिल जाए तो भी वो लकी है मतलब इतना भी उसको नहीं मिलता है नेक्स्ट ये देखिए कैलाश है सेवन ईयर्स ओल्ड सात साल का है ही लुक ओल्डर दैन हिज एज वो अपनी एज से ज़्यादा बड़ा लगता है हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैपी उसकी जो बॉडी है वो फैट है और फ्लैपी है ही हैज़ पेन इज इन हिज लेग्स हेल्दी ये भी नहीं है ये बच्चा जो है ओबीस है थोड़ा सा मोटा है तो उसके पैरों में बहुत दर्द रहता है ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव ये भी बहुत एक्टिव नहीं है ही गोज टू स्कूल बाय बस बस से स्कूल जाता है स्पेंड्स मेनी आर्स वॉचिंग टी वी टी वी देखने में काफ़ी टाइम लगाता है खाना क्या खाता है ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुड uh, फूड दाल और राइस जैसे घर पे जो बनते हैं वेजिटेबल बनते हैं रोटी बनती है वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है द ओनली थिंग फाइंड टेस्टी जो चीजें इसको टेस्टी लगती है जो ये खाता है वो है चिप्स बर्गर पिज्जाज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम मार्केट चिप्स खाएगा बर्गर बर्गर खाएगा पिज्ज़ा खाएगा सॉफ्ट ड्रिंक मतलब फास्ट फूड ये ज्यादा खाता है डॉक्टर अपर्णा मेजर द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन दोनों के उन्होंने हाइट और वेट को मेजर किया डॉक्टर अपर्णा ने देन शी टोल्ड देम फिर उन्होंने कहा देर इज ओनली वन ट्रीटमेंट एक ही ट्रीटमेंट है दोनों की प्रॉब्लम का दैट इज प्रॉपर फूड प्रॉपर फूड खाओ एक कम खाती है तुम थोड़ा ज्यादा खाओ एक जो ज्यादा खाता है बाहर का ज्यादा खाता है उसको थोड़ा कम करो और होम मेड फूड ज्यादा खाओ नेक्स्ट इज क्वेश्चन हैं आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड यू थिंक रश्मि कुड नॉट गेट ओनली वन रोटी इन द होल डे आपको क्यों लगता है रश्मि को पूरा दिन में एक भी रोटी नहीं मिल पाती होगी क्या रीजन होगा इसका तो हो सकता है हो सकता है क्या यही होगा शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को भूखा नहीं रखेगा जरूर वो किसी गरीब फैमिली से होगी जो कि एक वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्या तुम्हें लगता है कैलाश को गेम्स और स्पोर्ट्स पसंद होंगे बिल्कुल नहीं वो बैठा रहता है बॉडी थोड़ी ऐसी हो गई है तो वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है इसलिए शायद उसको गेम पसंद नहीं होंगे और वैसे भी गेम खेलता तो इस तरीके की बॉडी नहीं होती वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्रॉपर फूड प्रॉपर फूड से आप क्या समझते हैं प्रॉपर फूड वो होता है जिसमें सारे न्यूट्रियट्स हो फूड ज ऑल न्यूट्रिय न्यूट्रिय वाइटाम्स भी होने चाहिए है ना प्रोटीन्स भी होने चाहिए दाल भी आपको खानी चाहिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए है ना काब्स भी हो कार्बोहाइड्रेट्स भी हो तो सारे के सारे न्यूट्रियट्स जिसमें होते हैं वो हमारा प्रॉपर फूड होता है नेक्स्ट वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर रश्मि और कैलाश का फूड प्रॉपर क्यों नहीं था तो रश्मि जो थी रश्मि वॉज गेटिंग लिटिल फूड वॉज ईटिंग लिख दीजिए वॉज ईटिंग वेरी लिटिल ये बहुत कम खाती थी इसलिए इसका फूड प्रॉपर नहीं था प्रॉपर खाना नहीं खाती थी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना भी नहीं खाती थी जबकि कैलाश जो था कैलाश ही यूज टू ईट ही ईट्स जंक फूड वो जंक फूड ज़्यादा खाता था जंक फूड में आप जानते हैं न्यूट्री न्यूट्रीशस वैल्यू नहीं होती उसमें ये सब चीज़ें जो वाइटामस कार्बोहाइड्रेट्स की हम लोग बात करें ये नहीं होते फैट ज़्यादा होता है ओके नेक्स्ट और वो भी अनसैचुरेटेड फैट फाइंड आउट पता करिए टॉप विद योर ग्रैंड पेरेंट्स आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है या फिर किसी एल्डरली पीपल कोई बड़े लोगों घर पे उससे भी आप कर सकते हैं फाइंड आउट व्हाट दे एट एंड व्हाट वर्क दे डू व्हेन दे वर ऑफ योर एज जब वो आपके जितनी एज के थे तो वो क्या खाते थे और कैसा काम करते थे तो आप उनसे बात जब करेंगे तो वो देखेंगे कि आप वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे काम ज़्यादा करते होंगे स्कूल भी तब बहुत दूर होते थे बहुत दूर तक पैदल चल के जाते होंगे ये मैं रैंडम बता रही हूँ आप पूछेंगे तो आंसर देखना ऐसे ही मिलेंगे आपको और खाने में क्या खाते होंगे दूध पीते होंगे दे यूज़ टू हैव मिल्क रोटी वेजिटेबल्स खाते होंगे फ्रूट्स खाते होंगे है ना जो कि उन्हें एनर्जी देते होंगे फिर उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ जो है उसको प्रॉपरली चलाने के लिए नेक्स्ट नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ अब आप सोचिए आपकी डेली एक्टिविटी क्या है और डेली डाइट क्या है आप क्या खाते हैं और आप क्या क्या काम करते हैं उनके कंपेरिजन में आर दिस सिमिलर आर दिस सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड वॉट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट जो वो खाते थे और जो आप खाते हो क्या हो? वो सिमिलर है या डिफरेंट है ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट होगा आप जो खाते हो आप फास्ट फूड भी खाते हो बाहर का भी खाते हो भले ही खाना भी खाते होंगे मिल्क कम पीते होंगे वो दूध ज्यादा पीते होंगे वहां पे जो वो खाते होंगे वो बिल्कुल नेचुरल चीज़ें होंगी खुद उगाते होंगे हो सकता है खेत से खुद लाते हो आप अगर शहरों में रहते हो तो आप बाहर से लाते हो वो ऑर्गेनिक भी नहीं है फ्रूट्स वगैरह जो आप खाते हो तो ये डिफ्रेंसेज आप देख सकते हैं या आप बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं नेक्स्ट इज़ प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट प्रॉपर खाना हर बच्चे का अधिकार है यू हैव रेड अबाउट टू चिल्ड्रन अपने दो बच्चों के बारे में पढ़ा वन इज़ कैलाश हु डज़ नॉट लाइक होम मेड फूड एक कैलाश था जिसको घर का खाना पसंद नहीं अदर इज़ रश्मि एक रश्मि थी हु डज़ नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील अ डे जिसको एक दिन में एक एक टाइम का खाना भी प्रॉपर नहीं मिलता सिर्फ घर में ही खाना नहीं अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आर कंट्री आर लाइक रश्मि लगभग आधे बच्चे हमारे देश में रश्मि के जैसे है दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली जो उनको चाहिए खाना डेवलप करने के लिए ग्रो करने के लिए बड़ा होने के लिए प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए वो उनको नहीं मिलता है दीज चिल्ड्रन आर वीक इसलिए बच्चे कमज़ोर होते हैं एंड सिकली और बहुत ही ज़्यादा बीमार भी रहते हैं सिकली मीन्स कि बहुत ओपन uh, इल जल्दी बीमार हो जाते हैं पूर हेल्थ होती है इनकी बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड हर बच्चे का अधिकार है कि उसको प्रॉपर फूड मिले रीड दिस स्टोरी इन काला हांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा काला हांडी डिस्ट्रिक्ट की आपको एक कहानी दी हुई है यहाँ पे देखिए गोमती इज थर्टी ईयर्स ओल्ड ये गोमती हैं तीस साल की है uh, गोमती वर्क्स इन फील्ड ऑफ रिच फार्मर एक बहुत ही अमीर फार्मर के यहाँ पे ये यह काम करती है फॉर ऑल हर हार्ड वर्क जितना भी वो मेहनत से काम करती है शी गेट पेड वेरी लिटिल उसको बहुत कम मिलता है जो वेजेस वो देता है सो लिटिल दैट शी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली वो इतना कम है कि वो एक टाइम का खाना भी अपनी फैमिली के लिए खरीद नहीं सकती चावल भी नहीं उसको मिल सकते हैं सम मंथ्स शी डज़ नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल कुछ महीनों में आप जानते हैं खेती का काम बारह महीने नहीं चलता है कुछ महीने में उसको ऐसा भी है कि काम मिलता ही नहीं है देन शी हैज टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल फिर उनको जंगल्स में जाके वहाँ से पत्तियाँ और रूट्स खाने पड़ते हैं गोमती चिल्ड्रन आर वीक विद हंगर एंड ऑलवेज सिक गोमती के जो बच्चे हैं वो बहुत कमज़ोर है भूख की वजह से और ज़्यादातर बीमार ही रहते हैं वेरी फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर बहुत uh, सालों पहले उनके जो हस्बैंड थे वो भी भूख की वजह से मर गए मोस्ट राइस ग्रोन इन काला हांडी डिस्ट्रिक्ट और ये देखिए आयरनी कि सबसे ज़्यादा जो राइस uh, है वो काला हांडी डिस्ट्रिक्ट में ही होता है फिर भी उनको नहीं मिल पा रहा है राइस इज़ इवन सेंट टू अदर स्टेट्स फ्राम यहाँ पर दूसरे uh, जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी खाना uh, जो फूड है राइस जो है वो भेजा जाता है मैनी टाइम्स द राइस डैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन गेट्स पॉइल्ड और गोडाउन में पड़ा हुआ कई बार गोदाम में जो राइस पड़ा रहता है वो स्पॉयल हो जाता है लेकिन लोगों तक नहीं पहुँचता इन द सेम काला हांडी देर आर मैनी मेनी पुअर पीपल लाइक गोमती और उसी काला हांडी में बहुत गरीब लोग हैं गोमती जैसे वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस लोग ऐसी जगह में भूख से कैसे भर सकते हैं जहाँ पर खाना वेस्ट हो रहा है बाहर जा रहा है इतना ज़्यादा जो है Uh, uh, उग रहा है इतना ज्यादा ग्रो हो रहा है लेकिन फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं ये देखिए डिस्पैरिटी uh, दिखा रहा है कितनी ज्यादा है डिफरेंसेस कितने ज्यादा है किसी के पास बहुत ज्यादा है बाहर भी भेजा जा रहा है खराब भी हो रहा है और किसी के पास कितना कम है थिंक एंड डिस्कस चलिए अब आपको इस पे सोचना है और डिस्कस करेंगे हम लोग डू यू थिंक दैट एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसे पूरा दिन में खाना ना मिलता है वॉट आर द रीज़न फॉर दिस क्या रीज़न है इसका अगर आप जानते हैं उनके बारे में आप यहाँ लिखेंगे रीज़न लिखेंगे किस वजह से उसको खाना नहीं मिलता पॉवर्टी इज़ द ओनली रीज़न एक्चुअली सभी का यही रीज़न है कि पेरेंट्स गरीब होते हैं नहीं अफोर्ड कर पाते हैव यू एवर सीन अ गोडाउन वेयर अ लॉट ऑफ ग्रेन हैज़ बीन स्टोर्ड वेयर क्या आपने कभी कोई ऐसा गोडाउन देखा है जिसमें बहुत सारा ग्रेन जो है अनाज स्टोर करके रखा गया और कहाँ देखा है ये क्वेश्चन आप ही को करने हैं वॉट वी हैव लर्नड हमने क्या सीखा वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली वेन यू हैव अ कोल्ड इसका रीजन यह है कि जो सेंस ऑफ स्मेल होती है बिकॉज सेंस ऑफ स्मेल हेल्प अस ये मैं छोटा ही लिखवा रही हूँ आंसर हेल्प एस इन गेटिंग कंप्लीट टेस्ट आपको कम्प्लीट टेस्ट सेंस ऑफ स्मेल से ही मिलता है अगर आपको स्मेल नहीं आएगी तो पूरा टेस्ट आप नहीं ले पाएंगे यही रीज़न है कि आप फूड को प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर पाते जब आपको कोल्ड होता है कोल्ड में आप जानते हैं नोज़ ब्लॉक हो जाती है आपकी Uh, our nose gets blocked when we have cold so we are not able to smell and taste food properly आप खाने को अच्छे से smell भी नहीं कर पाते और taste भी नहीं कर पाते if we were to say that अगर हम ये कहें digestion begins in the mouth digestion जो है वो uh, मुंह में ही शुरू हो जाता है हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस राइट तो ये स्टेटमेंट दी हुई है कि डाइजेशन मुंह में ही शुरू हो जाता है इतना शायद आपको ना पता हो लेकिन uh, थोड़ा सा फिफ्थ क्लास के बच्चों को जितना पता होना चाहिए उतना मैं बता देती हूँ आप जानते हैं कि जो uh, सलाइवा जो है आपका मुंह में जो होता है लार जिसे आप कहते हैं वो खाने को पहले तो आप उसको ब्रेक करते हैं चबाते हैं अच्छे से और सलाइवा मिक्स होता है उसके साथ सलाइवा में होते हैं एंजाइम होता है जो कि उसको डाइजेशन में हेल्प करता है नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे दैट वी ब्रेक सॉरी वी ब्रेक फूड इन स्मॉल पीसेस बाई चूइंग इट आप चबा के उसे पहले तो छोटे छोटे पीसेज में डाइजे ब्रेक करते हैं अगर आप सीधा खाएंगे तो पेट का काम बढ़ जाएगा फिर तो एक तो ये काम आप आसान कर रहे हैं मुँह में उसको चबा रहे हैं देन मिक्स इट उसके बाद मिक्स करते हैं इसको विद सलाइवा सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं जिससे खाना मुलायम हो जाता है सॉफ्ट हो जाता है और आपको निगलने में उसे आसानी रहती है ट्यूब जैसा होता है ना हमारे मुंह से नीचे स्टमक में खाना जाता है जिससे जिसको ईसोफेगस कहते हैं मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था तो उसमें जाने में आसानी हो जाती है उसके बाद सलाइवा मिक्स करते हैं और एक लाइन आप लिख दीजिएगा इससे पूरा आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा सलाइवा कंटेंस कंटेंस डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स बस डायजेस्टिव एंजाइम का ज़्यादा नहीं बस एक लाइन में आप लिख देंगे तो ये आपका कंप्लीट आंसर होगा सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है होपफुली चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा डाइजेशन कैसे होता है क्या चीज़ कितनी देर में डाइजेस्ट होती है थोड़ा टेस्ट के बारे में भी आपको बताया गया दैट्स ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी टी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स तो हम लोग वर्कशीट में करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग